मेरी मां ने मुझे मर्द पैदा किया। क्यों? क्योंकि मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ हूं। मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूं जो हमारे जज्बातों की कदर करता है, कहने से पहले समझ जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। मेरे शेर ने, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ नहीं होता तो मुझ पे मुकदमे लगा दिए जाते, मुझे बंद कर दिया जाता। मेरा नाम इकरामुद्दीन है, लोग मुझे प्यार से टीपू कहते हैं। जयपुर का 40% मुसलमान, 20% हिंदू मुझे जानता है, क्योंकि जब भी मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जाता है, मारा जाता है। तो साथियों, जयपुर में कुछ लोग ही है जो हमें और हमारे साथ है, जो कौम की आवाज उठाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, थाने में जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। साथियों, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस हमारे मान सम्मान के लिए डरना नहीं है कभी भी। कोई किसी के साथ अगर मारपीट हो तो साथियों 100 पर कॉल करो। अगर 100 अगर 100 पीसी आए तो 112 पकड़िए, बाकी 100 नंबर पे काम कुछ नहीं है, लेकिन बीजी जरूर बताएगा। तो साथियों अभी 112 भी आ गया है, 112 पे कॉल करिए, थाने में जाइए। ये दिक्कत यहाँ आती है हमारी कौम को कि हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है, हम लोगों को ये पता नहीं है कि सेवा में श्रीमान के बाद क्या लिखा जाता है। साथियों समझो, कलम की ताकत, मेरा सदर मुझे सिखाया है कि कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कलम की ताकत है। तलवार नहीं, चाकू नहीं, ना कोई हथियार, ना डंडा, कलम की ताकत। कलम रखिए और बताइए इस दुनिया को कि मुसलमान अब जा चुका है। साथियों आपको पता होगा, चाहे वो नारी कना का हो, बट्टावस्ती हो, जालूपुरा हो, माफी चाहता हूँ, इसी महल का मैं हूँ और इसी महल के आप है। आपको पता होना चाहिए, जिसकी उम्र स्कूल जाने की है वो नशा कर रहा है। क्यों कर रहा है, किसके इशारे पर नशा चल रहा है, पता है? साथियों अगर मैं विधायक बनूं या जमीन साहब को आप विधायक बनाते हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, एक चुटकी के अंदर, सिर्फ एक चुटकी के अंदर नशा बंद हो सकता है। लेकिन ये चाहते हैं कि मुसलमान नशा करे, चाय की होटलों पर बैठे, बिरयानी पसंद करे, क्योंकि अगर ये पढ़ेगा लिखेगा, अगर ये मजबूत हो जाएगा तो 70 साल का कांग्रेस से हिसाब मांगेगा। हमने महज जोशी को 99% वोट दिया, क्यों दिया? कांग्रेस के नाम पे दिया, सेकुलरिज्म के नाम पे दिया। लेकिन साथियों महज जोशी और उनका बेटा रोहित जोशी क्या करते हैं? बर्थडे काटते हैं, केक काटते हैं। क्या मुसलमान केक काटने के लिए, क्या मुसलमान बर्थडे बनाने के लिए? साथियों अपने जनतों को वक्त आए तो दिखाओ, कब दिखाओ? जाओ अपने बूथ पर और ताकत दिखाओ। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े हैं, वोट दीजिए। साथियों मैं बात करना चाह रहा था नशे के ऊपर। आप जिस गली में जाएंगे 15 साल, 14 साल, 18 साल, 20 साल, कोई कौन गांजा का नशा कर रहा है, कोई किस चीज का नशा कर रहा है, कोई गीला कर रहा है, कोई सूखा कर रहा है। बीबियां इंतजार करती है, माँ इंतजार करती है, बाप इंतजार करता है, और हम स्कूल जाते नहीं है, इसके इशारों पर हो रहा है। साथियों अगर पार्षद चाहे तो अपने वार्ड में नशा ना बिकना दे। क्यों बिकना दे रहे हैं? क्यों? क्या लालच है आपको? कितनी कितनी कमीशन आती है आपको वहां से, जो आप अपने वार्डों के अंदर नशा बेच रहे हैं या बिकने दे रहे हैं? क्या पुलिस थाना नहीं है? जाइए शिकायत करिए। अब तो आजकल तो नशा मुक्ति भी खुल गया है, जो भाई नशा करते हैं जाइए छुड़ाइए, उनकी मदद करिए। अगर किसी वार्ड के अंदर नशा बिक रहा है तो जाइए पार्षद के साथ, पार्षद के पास, और बोलिए, बताइए नशा कैसे बिक रहा है। साथियों किसकी शेबे बिक रहा है, किसके इशारों में बिक रहा है, किसके इशारों में बिक रहा है? मेरे बोलने का मतलब समझो साथियों, ये बोलने की ताकत मुझे
कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी, एमआईएम ने दी है। साथियों जो आप बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग, जो मेरी इज्जत है, जो सामने बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, साथियों मुझे बोलना ही नहीं आता था, मैं भी गूंगा था कांग्रेस की तरह और नौ विधायकों की तरह, लेकिन जब राजस्थान में एमआईएम आई, मैं झूठा वही साहब से मिला, सदर साहब से मिला, जब देखा मैंने कि हाँ ये एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो हमारे अकेले लड़ती है, हमारी आवाज उठाती है। साथियों जब मैं रात को सोता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, सोचता हूं और अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह तेरे एहसान है कि मेरी मां ने मुझे मर्द पैदा किया। क्यों? क्योंकि मैं एमआईएम से जुड़ा हुआ हूं, मैं उस इंसान के साथ खड़ा हूं जो हमारे जज्बातों की कदर करता है, कहने से पहले समझ जाता है कि ये आदमी क्या कहना चाहता है। साथियों चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे प्लम्बर हो, साथियों जब ओवैसी साहब को फोन करते हैं वो लोग, तो ओवैसी साहब रात को 2 बजे भी कॉल उठाते हैं और बात करते हैं। साथियों आपके पास अगर नंबर हो तो मैं वादा कर रहा हूँ अभी कॉल कीजिए, अभी कॉल उठाएंगे। लेकिन महज जोशी जहाँ हमारे यहाँ कुछ भी होता है तो आते नहीं है, जाते नहीं है, क्यों? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं वोट लेने के लिए? इनको पता है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान जाएगा कहाँ, आना तो हमारे पास है। नहीं साथियों आपके पास 30 अब्दुल का आ गया है, मजलिसे जियादुल मुसलमीन, जिनकी कमान अल्लाह ने बैरिस्टर असदुल्लाह साहब को दे रखी है, ये आपकी ताकत है, ये आपका गुरूर है। पूरी दुनिया जानती है मेरे सदर को, जब भी मेरा सदर का नाम आता है या तो लोग साहब कहते हैं या सदर साहब कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बैरिस्टर है। साथियों हिंदुस्तान के अंदर एक बैरिस्टर, 3 बैरिस्टर आए जिसको दुनिया जानती है, एक बैरिस्टर जिनका नाम महात्मा गांधी, जिसका नाम महात्मा गांधी, जिसको महात्मा से महात्मा गांधी बनाया, राष्ट्रपिता बनाया। और साथियों दूसरे बैरिस्टर है बाबा साहब अंबेडकर, जिनको जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा से बाबा साहब कहा गया। और तीसरे बैरिस्टर है असदुल्लाह साहब, जिसको बीजेपी के एजेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? किसके द्वारा कहा जाता है? कौन कहता है? हम लोग कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहता। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 400 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 हार गई, 398 हार गई। जब कांग्रेस को पता था कि हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई जमीन नहीं है, हमारा कोई वोटर नहीं है, हमारा कोई वक्कार नहीं है, तो क्यों लड़ा चुनाव? बीजेपी को जिताने के लिए।